एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है और कुछ लोग मुझे ये टॉपिक रिकमेंड किए कि मैम आप थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग्स निकालिए, चाहे थर्ड पार्टी पेरेंट्स हों, न मान रहे हों सिचुएशन के लिए, या थर्ड पार्टी वो पर्सन हो जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या थर्ड पार्टी ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो तो वो थर्ड पार्टी हो आपके लाइफ में। तो आपके अपने लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आपके पर्सन की भी फीलिंग्स जानेंगे और उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन देखेंगे आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग्स। दिस इज माय लास्ट शफल एंजल्स। प्लीज गाइड करें। मैं इस डेक को दो पार्ट में डिवाइड करूंगी और फिर हम देखेंगे थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। इस तरफ थर्ड पार्टी की फीलिंग्स होंगी, इस तरफ आपके पर्सन की फीलिंग्स होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो ये आपके पर्सन की तरफ फीलिंग्स निकल कर आई हैं और ये थर्ड पार्टी जो भी है जिसकी वजह से भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो उनकी एनर्जी है। तो पहले हम किसकी देखें, अकड़ बक्कड़ करें क्या? थर्ड पार्टी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपके पर्सन की तो हम रोज़ ही देखते हैं। सो शुरू करते हैं, मैं आपको और नहीं तड़पाऊंगी। थर्ड पार्टी की देखते हैं पहले। द लवर्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, द टावर, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वैंड्स एंड द एम्परर। थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में तांडव तो कर रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सोल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का लव बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों की फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में टावर का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। थर्ड पार्टी यहाँ पे पेरेंट्स भी हो सकते हैं या इनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके साथ इन्हें, आपके पर्सन को इतना ज़्यादा भड़का दिया जाए, इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया जाए या डरा दिया जाए कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाए। हो सकता है हो भी गया हो, आप में से कई लोग हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ब्रेकअप में हो बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। अगर वाइफ है या हस्बैंड है थर्ड पार्टी, अगर हस्बैंड है थर्ड पार्टी तो हस्बैंड के डर से हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बात ना करती हो या भागती हो या कमिटमेंट ना दे पाती हो या ब्लॉक कर देती हो। अगर थर्ड पार्टी सामने वाले पर्सन की वाइफ है तो हो सकता है वाइफ फ़ोन चेक करती हो और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। भले आपके पर्सन उनके साथ हैप्पी नहीं है, भले आपके पर्सन उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, उतना लव अफेक्शन नहीं है उनके साथ, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो स्टक हैं उस सिचुएशन में। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी पेरेंट्स हों, पेरेंट्स भड़काते हैं आपके ख़िलाफ़, अरेंज्ड मैरिज करना है, लव मैरिज नहीं करना है, कास्ट सेम होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस फलाना ढिकाना, कस्टम्स, जितनी भी दुनिया भर की रूढ़िवादी सोच है।
तो इस तरह के पेरेंट्स हो सकते हैं, तो हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी हो। तो इनकी फीलिंग्स ये है कि खूब भड़काओ और ख़त्म करो ये रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के ख़िलाफ़ हो सकता है कि इन्हें थर्ड पार्टी को एक एहसास हो कि अगर ज़्यादा कंट्रोल करते हैं या ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो कहीं मेरे पे भारी ना पड़ जाए, कहीं मेरा बेटा या मेरी बेटी भाग के शादी ना कर ले या कोर्ट मैरिज ना कर ले, क्योंकि आज के ज़माने में दिस इज़ वेरी सिंपल, आपके पास राइट है। दूसरा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर उनकी हस्बैंड हैं या उनकी वाइफ हैं तो वो उन्हें लगता हो कि कहीं ये मुझे डिवोर्स ना दे दें, कहीं ये मुझे डिवोर्स का प्लान तो नहीं कर रहे हैं, किससे बात करती हैं या किससे बात करते हैं या जो भी, मतलब इनके अंदर एक फियर भी है कि कहीं मेरे पर भारी ना पड़ जाए। लेकिन उसके बावजूद ये अपने इन हरकतों से मैनिपुलेशन करना, भड़काना, रिलेशनशिप ख़त्म करवाना, पावर दिखाना, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है इनकी करंट फीलिंग्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। कुछ लोगों के लाइफ में पैसों को लेकर भी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। हो सकता है कि सामने वाला पर्सन बहुत रिच हो या उसकी कोई इमेज हो समाज में, सोसाइटी में, तो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, इस वजह से कि इनके बाद मेरा क्या होगा या मेरी जिम्मेदारी कौन निभाएगी या निभाएगा, तो इस तरह की जो एक सोच होती है उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है। इवन ये भी हो सकता है कि अगर वो डिवोर्स का कहें या वो अलग होने का कहें तो बहुत ज़्यादा डिमांड कर दो कि वो कर ही ना पाए पूरी, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। कहाँ रख दिया मैंने डेक, ओके। अब मैं देखूंगी आपके पर्सन की तरफ क्या निकल कर आया है, इनकी करंट फीलिंग्स क्या कह रही हैं। द सन, एट ऑफ सोर्ड्स, स्टक हैं ऑब्वियसली थर्ड पार्टी में, इसलिए एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, बंधे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं। द हाई प्रिस्टेस, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, कोई कंट्रोलिंग है, कोई मैनिपुलेट करता है, कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हर्ट हैं, चाहते हुए भी, लव होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए भी आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन नहीं रह सकते, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो डिवोर्स नहीं हो पाएगा, मतलब 25 तरह की टेंशन्स हैं। फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, आपकी तरफ नहीं रहा जाता इनसे, घूम फिर के वापस आ ही जाते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, ये चाहते हैं। समटाइम्स आपके पर्सन बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, समटाइम्स ये भी सोचते हैं कि ये भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, दोनों साथ में रहे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बट ये बैलेंस्ड बना के बहुत चलना चाहते हैं। मतलब ये मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, हो सकता है बातचीत बहुत अच्छा है, घुमा के आपको कन्विंस कर लेते हों या मना लेते हों। जगल कर रहे हैं करंट एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है आपके साथ ब्रेकअप कर लेते हों या नो कॉन्टैक्ट में डाल देते हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, बहुत ज़्यादा स्टक हैं बुरी तरह से आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। लेकिन द सन का कार्ड है, इनके में होप है कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ये आपकी तरफ आएंगे वापस, तो ये इनकी एनर्जी में निकला है। अब हम देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, कब निकलेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन से, क्या आपके लिए स्टैंड लेंगे, आप जिनका इंतज़ार कर रहे हैं कई महीनों से या कई साल से, क्या वो आपके लिए एक्शन लेंगे। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में परेशान हैं, उनका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, कलेक्टिव एनर्जी प्लीज़ गाइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस दें। डेविल फर्स्ट कार्ड, या तो किसी तरह का ब्लैक मैजिक, मैं तो नहीं मानती हूँ ब्लैक मैजिक, लेकिन होता तो है ही, सो वाइट मैजिक के आगे ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता है। तो मैं हमेशा अपने रीडिंग्स में आपको कहती हूँ कि अगर आपको डाउट है कि आपके पर्सन के ऊपर किसी तरह का स्पेल है या किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, तो सबसे पहले आप जिस भी धर्म में बिलोंग करते हैं अपनी पसंद का कोई भी चैंट सुनिए एंड यूज़ पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली बिफोर स्लीप। पॉजिटिव एफर्मेशंस क्रिएट्स मैजिक, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, आप किसी को भी किसी गलत एनर्जी से बाहर कर सकते हैं। सो यहाँ पे डेविल का कार्ड फर्स्ट कार्ड आया है नेक्स्ट एक्शन में, देखते हैं डेविल के आगे क्या आता है। एस ऑफ वैंड्स,
आपके पर्सन किसी डेविल एनर्जी में हैं या किसी डेविल एनर्जी के साथ हैं, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, किसी कर्मा को फेस कर रहे हैं, किसी कार्मिक रिलेशन है। हो सकता है कि ये जिसके साथ हैं उसकी वजह से इनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हों, बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हों, बहुत चैलेंजेस आते हों, लेकिन ये फिर भी क्लींस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि इनको अपना कर्मा, अपना कार्मिक साइकिल एंड करना है। जब तक ये डेविल एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स भर भर के आएंगे, लेकिन इन्हें इतनी समझ नहीं है कि इन्हें निकलना है उस सिचुएशन से। थर्ड कार्ड हमारे पास है पावर। अपनी पावर में आके ये बाहर आने का सोचते हैं। हो सकता है समटाइम्स आपको ये कहते हों कि मैं स्टेप लूँगा या लूँगी, मैं स्टैंड लूँगा आपके लिए, कुछ टाइम लगेगा लेकिन मैं ज़रूर आपके साथ रियूनियन करूँगी, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। ओके, दूसरा कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, वन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर हमारे पास है टावर। ये ख़त्म करना चाहते हैं डेविल एनर्जी जहाँ भी ये स्टक हैं। सो वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे डबल वन आया है। सो वन मंथ के अंदर, वन वीक के अंदर, वन डे के अंदर आप में से कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी के ख़िलाफ़ स्टैंड ले सकते हैं, किसी तरह का जेस्चर आपकी तरफ कर सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड हैं तो डिवोर्स लेने में वक्त लगेगा, उन केसेस में वन ईयर भी लग सकता है डिवोर्स लेना, फिर आपकी तरफ शादी का प्रपोज़ल देना, शादी करना, तो इन सब में टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये ख़त्म तो करना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन में टावर का कार्ड आ गया विद डेविल। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपनी पावर में आके आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ क्लियरली दिख रही है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए 6 कार्ड्स लिए हैं मैंने। बॉटम ऑफ द डेक आया है ट्रस्ट। अपने ऊपर, अपने रिलेशनशिप पर, भगवान पर आस्था रखिए। फर्स्ट कार्ड है आस्क योर एंजल्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप रात को सोने के पहले अपनी प्रॉब्लम्स यूनिवर्स को दे दीजिए, रिलीज़ ऑल नेगेटिविटीज़। सक्सेस, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। दिख रहा है आपको, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है लेकिन आपने पेशेंस रखा हुआ है और सब्र का फल मीठा होता है। इट्स अप टू यू। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, तो वो आपका डिसीजन है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आने वाला टाइम आपके लिए बेहतर होने वाला है। आपकी जो अभी सिचुएशन है वो आगे अच्छी होगी। रिकवरी, जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में या जिस भी जेंडर में आप हैं, अगर आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं थर्ड पार्टी की वजह से, तो आने वाले टाइम में रिकवरी होगी, सॉर्ट आउट होगा मामला। यू आर रेडी, आप बिल्कुल रेडी हो। आपने शायद पास्ट की कोई मेमोरीज़ या पास्ट का कोई लड़ाई झगड़ा या पास्ट का कोई आपको अगर चीट किया गया है या हर्ट किया गया है या धोखा दिया गया है या कोई वादा तोड़ा गया है, तो भी आप माफ़ करके आगे आपके रिलेशनशिप को फिर से ठीक करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो ये गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आई है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिला हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, तो ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।